ये शुगर केन प्लांटेशन पिट सिस्टम, पिट 2x2 का 2 फीट गड्ढा करके 4 गांठ लगाई जाती है, और हर गांठ में से, इधर देखेंगे आप तो हर गांठ में से 8 से 10 शूट्स निकलेंगे, मतलब एक गड्ढे में 40 शूट्स निकलेंगे। एवरेज 3 किलो का एक शूट बनेगा। ये जब 4 फीट का होगा तो इसको बांधने का शुरू कर देंगे, गट्टे को बांधना शुरू कर देंगे। तो जितना बांध के सीधा खड़ा रहेगा गन्ना, उतना इसका वेट बढ़ेगा, उतना नीचे से शूट्स और ज़्यादा निकलने का स्कोप रहता है। तो एवरेज 100 किलो अगर एक गड्ढे में हुआ तो 1 एकड़ में 1400 गड्ढे, तो 140 टन पर एकड़ निकलेगा। ये ड्रिप सिस्टम आप देखते हैं कि 2 घंटे में इसको 4.5 लीटर पानी एक गड्ढे को जा रहा है। तो एवरेज 6 से 7 हज़ार लीटर पानी पर एकड़ पानी जाता है हफ्ते में 2 से 3 दिन। तो आउटपुट ज़्यादा आएगा, टनेज बढ़ेगा, मेहनत कम रहेगी, गन्ना जितना ज़्यादा खड़ा रहेगा वेटेज उतना ज़्यादा आएगा। थैंक यू। इसका वीडियो जो डॉक्टर एमएन वेणुगोपाल जी, जो स्पाइस डिवीजन के हेड रहे 32 साल ICAR में, जिनके गाइडेंस में स्पाइसेस गरम मसाले की लागवड हम कर रहे हैं, उनको भेजा जाएगा। तो वो फिर इसमें से आइडेंटिफाई करेंगे कि इसको प्रॉब्लम क्या हुआ। ये सीताफल है बालानगर वैरायटी की, और सीताफल का अभी विदर्भ के अंदर जैसा टेम्परेचर बहुत राइज होता है, तो मिड ऑफ मे में इसको एक बार पानी देके पानी बंद कर दिया जाता है और इसकी प्रूनिंग कर दी जाती है, कटिंग कर दी जाती है। ये आप देख सकते हैं कि ये पेंसिल का साइज इसको छोड़ने का रहता है, ताकि इस पर जब फूल लगेगा और इस पर जब फल लगेगा तो ये डाली में इतनी क्षमता होगी कि फूल को होल्ड कर सकेगा। उससे यह होगा कि सूरज की रोशनी पूरी तरकीब से हर फल को मिलेगी, और उसकी वजह से फल जो है वो बड़ा बनेगा, 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, 600 ग्राम। तो इस सीताफल की प्रूनिंग धूपकाले में, मतलब अभी समर में की जाती है, और इसकी फ्लावरिंग चालू हो जाएगी जून में। मैं अभी 15-20 दिन पहले ट्रायल बेसिस पर हमने किया था, इसमें अभी नई फ्लावरिंग लीव्स आना स्टार्ट हो गई, और इसमें आपको 15-20 दिन के बाद में ये आप इधर देखिए कि इसको फ्लावर भी आना चालू हो गया। ये इधर भी देखिए फ्लावर आना चालू हो गया। ये तभी एक्सट्रीम हीट और 15 दिन के बाद होने वाली है, तो इसकी प्रूनिंग करेंगे। और बाय द टाइम ये प्रूनिंग होके कंप्लीट होके इसका स्ट्रेस, जो पानी देना बंद किया हुआ है, तब तक बरसात चालू हो जाएगी और इसकी फ्लावरिंग आ जाएगी। फिर वो फ्लावर जो है रिटेन हो जाएगा और फ्लावर फ्रूटिंग में कन्वर्ट होगा। फिर एक एक झाड़ में कितने फ्रूट लेना है वो डिसाइड करके बाकी के फ्लावर्स की जो फूल है वो निकाल दिए जाएंगे, ताकि फल बड़ा हो। ये हाँ, मौसम्बी है, काटोल गोल्ड वैरायटी। 6, 7, 8, 9